तो देश के बेस्ट में एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद पर बात करने के लिए इस वक्त खुद जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हरिद्वार से। स्वामी जी आपका न्यूज स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने खेद जता दिया, आपने अपने बयान को वापस भी ले लिया, लेकिन फिर भी विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। कल पटना में आपके खिलाफ एक FIR IMA ने फिर कराई है, क्या कहेंगे इस पर आप? दीपक जी, मैं तो इस विषय को पूरा खत्म कर चुका हूँ, वो तो विवाद ही नहीं रहा है। और कोई FIR करवाए, ये देश में सब स्वतंत्र हैं, संविधान ने सबको अधिकार दिए हुए हैं। कोई गाली गलौज करे उसके लिए भी सब स्वतंत्र हैं। कोई जो है कुछ भी योग के संदर्भ में, आयुर्वेद के संदर्भ में, नेचुरोपैथी हमारी सनातन संस्कृति, अपने संन्यास के बारे में या स्वामी रामदेव के बारे में भी, अब ये किसी मुल्ला और मौलवी के बारे में बोल नहीं सकते, किसी ईसाई मिशनरी के बारे में बोल नहीं सकते, ये IMA वाले कोई किसी वर्ल्ड की बड़ी पावर को चैलेंज कर नहीं सकते, देश के भी किसी दूसरे रिलीजियस सेक्टर को छू नहीं सकते। सबको एक ही जगह आपत्ति है कि जितने भी हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं उनको ढाओ, योग को गाली दो, आयुर्वेद को गाली दो, नेचुरोपैथी को गाली दो, स्वामी रामदेव को गाली दो, इनका स्वामी रामदेव ने बिगाड़ा क्या है? और मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, जब मैं कह चुका हूँ कि मैं इस विवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ, काम करने के लिए कितना बाकी है अभी आप देखिए। इस समय खाली एक कोविड प्रश्न नहीं है, कोविड से 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है तमाकू के कारण से। कोविड से 10 गुना ज़्यादा मौतें हो रही हैं लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर से, हार्ट फेलियर से, लोगों की हाइपरटेंशन से मौतें हो रही हैं, शुगर बढ़ने से मौतें हो रही हैं लोगों की। खाली मौतों की बात आप करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से सुसाइड करने वालों की संख्या कोविड से भी ज़्यादा है। हम क्या योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस है, मैं एक शब्द में बोलूं तो, उससे इन लोगों को बचा नहीं सकते? खाली हम जो है सरफेस के ऊपर आकर के कब तक लड़ाई करते रहेंगे? हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान की विरासत दी है, किस तरह से हम लोगों को उभार सकते हैं? देश को बाजार मान करके काम नहीं कर सकते दीपक भाई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए देश एक मार्केट होगा, उनके लिए रोगी एक प्रोडक्ट हो, उसको किस तरह से उसको यूज करना है, लेकिन हमारे लिए देश एक, पहले से भी मैं बोलता हूँ, हमारे लिए देश और दुनिया एक परिवार है। जो भी हम उपचार भी दे रहे हैं, चाहे आज हम योग के माध्यम से, आयुर्वेद नेचुरोपैथी के माध्यम से, या जो भी होम रेमेडीज हैं, किस तरह से छोटे छोटे बदलाव करके हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को ढाया है, मिटाया है, लाइफस्टाइल डिजीज, और उससे भी बड़ी चुनौती है जेनेटिक डिजीज। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को आर्थराइटिस है, छोटे छोटे बच्चों को रीनल फेलियर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में भयंकर स्किन की प्रॉब्लम्स है, सोरायसिस है, लिकोडर्मा है। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से अलग अलग जेनेटिक बीमारियों से, चाहे मेंटल डिजीज से, छोटे छोटे बच्चों में जो है कितने प्रकार के सेरेब्रल पॉलिसी से लेकर के, ऑटिज्म से लेकर के, जन्मजात हमारे यहाँ पर करोड़ों, करीब 7-8 करोड़ हमारे देश में जिनको विकलांग या दिव्यांग कहा जाता है, ऐसे बच्चे पैदा हो गए। आखिर ये खाली दवा का धंधा कब तक करते रहेंगे? माना कि मैं भी लोगों को दवा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये दवा, ये भी तुम्हारा एक पहली सीढ़ी हो सकती है। पहले एलोपैथी की दवाओं से आपको मुक्त करता हूँ, मैं आयुर्वेद पर शिफ्ट करता हूँ, फिर आयुर्वेद से भी मुक्त करके मैं कहता हूँ तुम अपने आप आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब कुछ लोगों को जिनको दिक्कत हो, होनी दो। अब मैंने जेनरिक दवाइयों की लिस्ट डाली कल ही अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, 1.70 रुपये की दवा को ब्रांडेड दवा करके 37 रुपये की बेचते हैं, मानी परसेंटेज में उसको गिने तो 3700% प्रॉफिट। अरे भाई, और अलग अलग जगह ये कब्जा करके बैठे थे। आज तक स्वामी रामदेव के पहले आयुर्वेद से इनको डर क्यों नहीं लगता था? योग से, नेचुरोपैथी से डर क्यों नहीं लगता था? इनको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। अब इनको चुनौती मिल रही है तो थोड़े बिल आएंगे। और मैं तो कहता हूँ ये IMA का काम है ही नहीं,
IMA कौन सी अथॉरिटी है? ये कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन के इनके पास में कोई सर्टिफिकेट देने की पावर है। ये होते कौन है? स्वामी रामदेव से प्रश्न करने वाले, ये होते कौन है? किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन का बात करने वाले कौन सी अथॉरिटी है? इसलिए मैं कहता हूँ ये अपना काम करें, रोगियों की सेवा करें और हमको अपना काम करने दें, तो इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है दीपक भाई। लेकिन स्वामी जी आपके भी जो बयान थे वो वाकई में, जैसे आपका स्टूपिड साइंस वाला बयान था, आपने खेत जताया वापस कर दिया, क्या आपको अभी भी लगता है कि एलोपैथ स्टूपिड साइंस है और डॉक्टर वाकई, जैसा आपने एक जगह कहा, मैं आपके शब्द को ही कोट करता हूँ, दवाई टेस्ट और ऑपरेशन के माफिया के तरह काम कर रहे हैं? देखो दीपक भाई, मैं पहले कह चुका हूँ, वो मैं एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने पढ़ा, या अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, अरे मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, मैंने कहा ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये मेरा ऑफिशियल बयान नहीं है, कहीं से किसी ने बोला था, मैं पढ़ रहा था, किसी ने उसको यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, उसको लेकर के मैंने खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया। और क्या करेंगे भाई, जब मैं कह दिया कि मेरा बयान ही नहीं है तो बात ख़त्म हो गई। तो अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी बात है कि आखिर इस देश में जिस तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जेनेटिक डिजीज़ बढ़ रही है, ऐसे लिए MS ऑटोमेन डिजीज जैसी बढ़ रही है, और हमारे पास में उनके पास में मॉडर्न मेडिकल साइंस में, अब छोड़ो इसे IMA तो कहीं आता ही नहीं है बीच में, मॉडर्न मेडिकल साइंस वर्सेज आयुर्वेद भी बात करें, योग की बात करें, नेचुरोपैथी की, और अपने होम रेमडीज़ की, हमारे चरक सूक्ष्म धन्वंतरी जो हमारे पूर्वजों की ज्ञान विरासत की बात करें, तो वहाँ यदि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो है एडवांस सर्जरी है, तो 98% बाकी बीमारियों का तो स्थायी समाधान, परमानेंट क्योर, उन बीमारियों को निर्मूल करने का, जड़मूल से उनको खत्म करने का, और सस्टेनेबल हेल्थ का, और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ का, जो है हमारे पास में इतना बड़ा अपने पूर्वजों का ज्ञान है, उनकी अनुभूतियाँ हैं, उनका हम लाभ उठाएँ। अब जो मैंने कहा कि एक बयान मैंने पढ़ा था, किसी ने मेरे को फेसबुक पर, ट्विटर पर भेज दिया था, उस ट्विटर के भेजे हुए और क्या नाम है व्हाट्सएप मैसेज को मैंने पढ़ा था, उसके ऊपर भाई जब सारी बात खत्म होगी तो विवाद तो बचा नहीं ना मेरे भाई दीपक जी। लेकिन स्वामी जी आपने ये भी कहा कि डॉक्टर जो है, जब आप जेनरिक दवाओं की बात कर रहे थे, आप सब मतलब दवाइयों के विकल्प और ब्रांडेड दवाओं का अंतर समझा रहे थे अपने ट्विटर पर, तो आपका एक बयान ये भी आया कि डॉक्टर जो है कमीशन लेकर ब्रांडेड दवाई लिखते हैं जो कई गुना महंगी होती है, क्या उस बयान पर आप अब भी कायम हैं? देखो ये स्वामी रामदेव क्या कहता है, जो हकीकत है दीपक भाई, ऐसा करो आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर ना आप अपने रिपोर्टर लगा दो, देश के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, यही बात जब आमिर खान जी ने कही, यही बात आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, आप जिसको भी विश्वसनीय डॉक्टर मानते हो, कुछ सरकारी हॉस्पिटल एम्स जैसे हॉस्पिटल्स को छोड़ दीजिए, डॉक्टर गुलेरिया जी जैसे डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, कुछ और देश के बहुत अच्छे जो देवता पुरुष डॉक्टर हैं, जो इस धरती पर भगवान के वरदान जैसे हैं, लोगों को जीवन दान देने का काम करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको तो मैं भी कह रहा हूँ वो सच में इस धरती के देवता है, वो देवदूत है, उसका प्रश्न ही नहीं है ना। इस देश के बहुत सारे, अब उस संख्या की भी बात करूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, एक बहुत बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की जो कमीशन लेते हैं टेस्टों के ऊपर, और वो 25 से लेकर के 50% तक सेट है पूरे हिंदुस्तान में। इसमें स्वामी रामदेव क्या बोल रहा है, ये है? अब इसको बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मेरे भाई दीपक भाई, आप अपने सब जगह रिपोर्टर लगा के पता करवा लो। स्वामी जी ऐसे कितने प्रतिशत डॉक्टर हैं जो कमीशन लेकर जानबूझकर ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं? बहुत विनम्रता के साथ निष्कर्ष के रूप में एक ही बात कहना चाहता हूं, देश में गैर जरूरी ऑपरेशन होते हैं और वो संख्या शायद 50% से ज्यादा होगी, घुटनों के, कमर के, WHO कहता है 90% स्पाइनल कोड के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो घुटनों के, कमर के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, सिजेरियन ऑपरेशन की बात हो, आँख के, कान के, 50% से ज़्यादा गैर जरूरी ऑपरेशन हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा गैर जरूरी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, महंगी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, और 25 से 50% टेस्टिंग में कमीशन सेट है। ये स्वामी रामदेव ने क्या कहा, ये तो आप कहीं पर भी, मैंने वापस कह रहा हूँ, आप दीपक भाई सब जगह बड़े हॉस्पिटल्स के चारों तरफ रिपोर्टर लगा दीजिए, और जिन फैमिलीज के लोग वहाँ पर
जहाँ बच्चों को हॉस्पिटल है सीजेरियन से लेकर के बाकी तमाम हकीकत आपके सामने एक दिन में आ जाएगी। और यह हकीकत जब आमिर खान कहता है तो प्रश्न नहीं होता, स्वामी रामदेव कहता है तो मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये सब जो है इतना लोगों के साथ ये एक तरह से ये अपराध है, ये क्राइम है, ऐसे लोगों को लूटना नहीं चाहिए। हम इतना उतना लो लोगों से पैसा उपचार के नाम पर जो अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल तो होना नहीं चाहिए ट्रीटमेंट, उपचार के नाम पर वो अत्याचार के श्रेणी में आ जाता है जब आप लोगों से ऐसे हजारों लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, ये ठीक नहीं। इसमें क्या गलती है बताओ दीपक भाई, आप ही बता दो, मैं अभी संशोधन कर लेता हूँ, छोड़ो IMA की बात। नहीं स्वामी जी, मैं कुछ बोलूंगा तो मैं भी आपकी तरह विवाद में आ जाऊंगा और मुझ पर भी तो 10-12 केस हो जाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत डॉक्टर देश में आपको ऐसे लगते हैं जो उपचार के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं इस तरीके का? अरे सारे केस मेरे पर ही करवाना चाहते हो आप? सारे केस मेरे ऊपर ही करवाना चाहते हो? थोड़ा प्रसाद, आप फीस भरने के भी पैसे नहीं है, वकीलों के फीस भरने के, तो मेरे ऊपर ज़्यादा क्यों दंड करवा रहे हो? जो उद्दंड लोग हैं उनको प्रकृति, भगवान का विधान, देश का संविधान अपने आप दंड दे देगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, उजली करनी कर ले रे बंदे करमन करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से रे बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए बहस इस पर होनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ, और बहस नहीं, इस पर एक सकारात्मक संवाद होना चाहिए। और यदि किसी में हिम्मत हो तो शास्त्रार्थ होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास में बीपी का क्या इलाज है, वो बीपी के जो सोल्ट बिल्कुल हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बहस समाज में जरूर हर विषय पर होनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर आपके आलोचक ये भी कहते हैं कि आप रुचि सोया को अब नए विटामिन्स में लेकर आ रहे हैं, वेलनेस प्रोडक्ट में लेकर आ रहे हैं, एक तरफ एलोपैथिक दवाइयों पर, ब्रांडेड दवाइयों पर विवाद खड़ा करके आप अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आपके आलोचक आप पर। अच्छा चलो इस पर आ जाओ आप भाई। देखो ये जो विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा और जो है कोलेजन से लेकर के तमाम तरह के जो प्रोटीन्स हैं, वेट गेनर, मसल गेन, और ये सब जो है वो केमिकल और एनिमल बेस दे रहे थे। अभी से देश में लोग शाकाहारी, उनका धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो भाई? मैं 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बायोफर्मेंटेड, प्राकृतिक, नैसर्गिक चीज़ें यदि लोगों को उनके उन केमिकल और एनिमल बेस्ड, जबकि नेचुरल ऑर्गेनिक के नाम पर लोग दो दो तीन तीन चार चार गुना कीमत वसूलते हैं, MBA वाले वसूल रहे हैं। मैं लोगों को यदि नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करवा करके, अब चीज़ें तो ज़रूरी हैं, अब विटामिन डी की कमी के कारण से लोगों की हड्डियों की टेढ़ी मेढ़ियाँ हो जाती है, भयंकर कमी, और उसके कारण से तमाम तरह की अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B12 की कमी के कारण से लोगों को नर्वस सिस्टम की, इम्यूनिटी की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो भाई उसके लिए हमने नेचुरल विकल्प उपलब्ध करा दिया, ओमेगा का हमने नेचुरल विकल्प करा दिया, कोलेजन का हमने विकल्प जो है तिल से, गाजर से, अष्टवर्ग से, जिंसंग से उपलब्ध करा दिया, जिंसंग की प्रजाति हमारे अष्टवर्ग में भी है, उससे उपलब्ध करा दिया। तो वो जो सुअर की चर्बी से, सुअर की चमड़ी से, चमड़ी के ऊपर जो है कोलेजन होता है, सुअर और मछली की जो चमड़ी है उससे वो लोग कोलेजन बना रहे थे, अलग अलग और तमाम तरह की जो है मांसाहारी चीज़ों से वो लोग तैयार कर रहे थे। हमने दिए नेचुरल प्रोडक्ट दे दिए, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें दे दी, और वो भी केमिकल वालों के भाव में। तो ये तो लोगों का भला हुआ ना, लोगों को धर्म भ्रष्ट होने से हमने बचा लिया, और वो जो प्रॉफिट करते हैं वो विदेश में लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरा 100% प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, सारा अर्थ परमार्थ के लिए, और इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। तो 50,000 करोड़ रुपए की इस न्यूट्राशिटिकल
पूरे न्यूट्रिएंट्स की पूरे इसके ऊपर कब्जा एमएनसीज का था, वो एकाधिकार में तोड़ रहा हूँ। ये कोलगेट वाले, ये नेस्ले वाले, ये एमवे वाले, ये फाइजर वाले या यूनिलीवर वाले, मैं किसी कंपनी का, ये तमाम ये कोई हिंदुस्तान में यहाँ भंडारा करने आए हुए हैं? ये हिंदुस्तान में कोई परोपकार करने आए हुए? ये विशुद्ध रूप से हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए हर साल यहाँ से व्यापार के नाम पर ये लूट करके लेके जाते हैं। मैं लूट इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये देश का इनसे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक गुलामी करना चाहते हैं। पहले जो है पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, अब ये जो है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, अब ये इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं और उसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो भाई मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ? अब ये काम पहले कोई कर ना सका, इनको कोई चुनौती दे ना सका, अब स्वामी रामदेव ने इनको चुनौती भी दे दी और इनकी चूल्हे हिलाई नहीं दी, इनका विकल्प दे करके इनको बहुत अर्थों में इनको उखाड़ फेंका। अब इसमें भी किसी को आपत्ति है? और यदि इसको ये लोग अपराध कहते हैं तो भाई ये आपत्तिजनक और ये आपराधिक कृत्य तो हम करते रहेंगे दीपक भाई। लेकिन स्वामी जी आपको क्या लगता है आईएमए जो विवाद खड़ा कर रहा है, क्या इसके पीछे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं? अब देखिए ये आईएमए किसी भी चीज का, कोई चीज साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, रिसर्च के प्रोटोकॉल्स, आईएमए कोई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसके लिए कोई वैधानिक लीगल कोई उसके लिए यह कोई एजेंसी नहीं है। आईएमए अब जो है सर्टिफिकेट देता है पेंट्स को, आईएमए सर्टिफिकेट देता है डिटोल के साबुन को, उसके डिटोल के क्या है वो हैंड सैनिटाइजर को, अब उससे 3-4 गुना सस्ता हम प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, तो हमको आईएमए से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सैनिटाइजर बनाने के लिए, हमको दवाइयाँ बनाने के लिए, हम ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट किया गया, ये तो मैं इनको 1-2 करोड़ रुपए दे दूँ, ये तो बड़ा सा बढ़िया सर्टिफिकेट बना करके मुझे भेज देंगे कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट 100% रिसर्च बेस्ड हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सबको प्रिस्क्राइब करने चाहिए और ऊपर से कमीशन और दे दे, तो मैं तो हर महीना 500,000 करोड़ रुपये कमा सकता हूँ। सुन लो ज़रा कान खोल के मेरे भाई दीपक भाई, 500,000 करोड़ रुपये कमा सकता हूँ, 50,000 करोड़ की मार्केट के ऊपर मैं सब जगह कमीशन सेट कर दूँ तो बैठे बैठे सब काम हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे ये काम मुझे नहीं करना चाहिए ना। तो ये तो सच है कि बहुत सी एमएनसीज को ये हमारे इन भाइयों ने, जो इनका काम नहीं है, इनका सर्टिफिकेट बांटना, किसी चीज़ को सर्टिफाइड करना, ये आईएमए का काम ही नहीं है। इनका काम ये है कि कहीं पर भी हॉस्पिटलों में कोई कमीशनखोरी करता है, कहीं पर कोई गैर जरूरी ऑपरेशन करता है, गैर जरूरी दवा लिखता है, किसी का शोषण करता है, उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए कि भाई ये मत करो, इससे हमारा पेशा बदनाम होता है। और इसके साथ साथ यदि कोई डॉक्टरों के साथ भी कहीं पर अन्याय और जो है उनके ऊपर कोई शोषण होता है, उसके खिलाफ इनको आवाज़ उठानी चाहिए। इनको किसी भी तरह से योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, स्वामी रामदेव को और हमारे सनातन इस ज्ञान परंपराओं को, अपने पूर्वजों की इस विरासत को कोसने से, गाली देने से, उसका अनादर तिरस्कार करने से इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब वो अपना ही अपयश करेंगे। मैं तो कहता हूँ भाई आप भी आओ ना भाई, मैं तो आपको पहले उदाहरण दिया, इनके पास बीपी का क्या विकल्प है, हमारे पास विकल्प है, अनुलोम विलोम करो, भ्रामर उद्गीत, शीत निशीत कार्य करो, लौकी का जूस पियो। मैं कब कह रहा हूँ मुक्ता उठी और बीपी ग्रिड खाओ, मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट कपाल भाति मंडू का आसन आदि करो, उत्तान पादासन करो, मेरा पूरा प्रोटोकॉल बताता हूँ मैं, उसका पूरा SOP है, उसको फॉलो करो, डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक होंगे, खीरा करेला टमाटर और लो जो उसके अंदर गिलोय मिला दो और चिरायता, थोड़ा गुड़मार भी मिल जाए तो मिला दो। कब कह रहा हूँ मैं मधुनाशिनी मधुग्रीट खाओ, मैं सर्वकल्प का जो भूमि अमला पुनर्नवा मको, अपने घर में लगी हुई, आंगन में लगी हुई, बाग बगीचे में लगी, उसको ले लो और इससे लिवर ठीक हो जाएगा। मैं कब कहता हूँ कि सर्वकल्प का पतंजलि का बना हुआ लो, मैं कब कहता हूँ कि लिवोग्रीट लिवामृत खाओ, मैं तो कहता हूँ धनिया का धनिया उबाल करके पी लो, उज्जाई कर लो, सिंहासन कर लो, थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती। मैं तो नहीं कहता थायरोग्रीट खाओ, मैं तो कहता हूँ ब्राह्मी शंख पुष्प अपने आप ला करके कूट करके और यदि अस्ट्रेक्ट निकालना आता तो वो भी निकाल लो। कब मैं कहता हूँ मेधावटी खाओ, लेकिन इससे बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, इससे और अर्थराइटिस, रोमेटेड अर्थराइटिस के लिए हमने जो पीडानील गोल ऑर्थोट्रीट बताया, मैं तो कहता हूँ अपने घर में एलोवेरा और लौकी पी लो, सॉरी एलोवेरा और गिलोय पी लो,
इसी से आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अब इनके पास इन किसी बीमारी का क्योर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ 1000 डॉक्टर आ जाए मेरे पास, उनके रहने सहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था करूंगा और उनके ये बीमारियों में ना मिटाऊं जड़ मूल से, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर और सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, तो ये जो डॉक्टर बोले वो मैं दंडे लेने के लिए तैयार हूँ, फांसी पर लटकाने के लिए बोलेंगे तो लटक जाऊंगा। लेकिन भाई बात तो कर लो पते की, लोगों के भले की, आपने अभी सनातन की बात है। अब इनको चिरमराट यू होती है कि ये सॉल्यूशन, ये आयुर्वेद को समझते थे त्रिफला चूर्ण, ये आयुर्वेद को समझते थे त्रिफला चूर्ण कि बस पेट साफ करने की दवाई है। इनके पास जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इनकरेबल डिजीज है, जो जेनेटिक डिजीज है, इनके पास कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद को इन्होंने बदनाम कर रखा था। अब आयुर्वेद की बात कोई कहने वाला और साइंटिफिक एविडेंस के साथ, जिसमें लैब में बैठा हूँ, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की मशीनें हैं, ये सारे जो इक्विपमेंट मेरे आगे पीछे देख रहे हो तो एक कोना है। स्वामी जी, आपका एक नया बयान भी आया, आप ज्योतिष भी आपसे नाराज हो गए। आपने कहा कि ये काल, मुहूर्त और समय के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, क्या आपका ऐसा कोई बयान आया ज्योतिष को लेकर, क्योंकि ये भी तो सनातन से जुड़ा हुआ है। अरे भैया, क्यों मेरी लड़ाई कराते हो दीपक भाई? देखो भाई, मैं कहता हूँ सब समय अच्छे हैं, काल मुहूर्त देखने वाले अपना काम करते रहे भाई, मुझे अपना काम करने दो। मेरा ना कोई ज्योतिषियों से पंगा है, ना मेरा किन्हीं डॉक्टरों से पंगा है, ना किसी पॉलिटिशियन से पंगा है। मुझे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, मैं 4 AM to 10 PM अपना सेवा करता हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब फॉर माई नेशन 365 days विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, किसी भी प्रकार के स्वार्थ की बिना मैं परमार्थ का काम कर रहा हूँ भाई। मुझे ना ज्योतिषियों से लड़ाओ, ना डॉक्टरों से भिड़ाओ, और ना कोई, मुझे अपना काम करने दो मेरे भाई। दीपक भाई, आप तो थोड़ी मदद करो, आप तो आज ज्यादा ही जो है कुछ खुंखार होकर के लगे हुए। ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं स्वामी जी, आप जानते हैं मैं आपसे कितना स्नेह और प्रेम करता हूँ। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का एहसान भूल गए, उन्होंने आपको जमीन दी 150-150 करोड़ रुपए 2 फुट पार्क के लिए और आप बीजेपी के हो गए। ना ना, ये देखो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, और इन आज़ादी के पहले से लेकर के आज तक कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हुए, और जो अलग अलग पार्टियां भी बने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पहले कांग्रेस में थे, पटेल साहब भी कांग्रेस में थे, और जो है उससे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक बहुत से लोग, और अभी भी कांग्रेस में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। इसलिए भाई, सब लोग भी इन जो उलझुल बयान देते हैं इनसे दुखी हैं, इसलिए ये जो है कुछ लोग ऐसा कोई द्वेष भाव से ऐसा कहते होंगे कि सारी कांग्रेस खराब है, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस में जो कुछ खराब लोग हैं उससे कांग्रेस का जरूर फजीहत होती है, तो कांग्रेस पार्टी को एक कम से कम जहां वो जो है सत्तासीन है वहां अच्छे से अपने गवर्नमेंट ही चलानी चाहिए, जहां विपक्ष में है तो वहां पर उनको जनता की आवाज़ उठानी चाहिए और सबको मिल करके देश हित का काम करना चाहिए। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, सनातन धर्म संघ और अपने पूर्वजों का ज्ञान परंपरा, और मैं तो कहता हूँ हमारी साझिक विरासत है। मैं तो एक साथ गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद भगवान बुद्ध भगवान महावीर और भगवान हमारे सभी पूर्वाचार्य शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानंदाचार्य और गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह गुरु शंकर देव माधव देव आजी सभी की एक ही बात है, शब्द भेद है, नाम जपो, किरत करो, बंडके छको, कुर्वन्ने वे है कर्माणी, अपना कर्म करते रहो भाई। मैं तो कर्म का पुजारी हूँ और ये मानता हूँ ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है, इस युग में कर्म करो और अच्छे कर्म करो, बस यही मेरा आज का संदेश है। बाकी आपने जो पूछा भाई, जितना मुझसे बन पाया बता दिया, बाकी करने में, कर्म में, पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूँ, परमार्थ में विश्वास रखता हूँ। आप भी अपने धर्म संस्कृति और देश के प्रति अनन्य श्रद्धा निष्ठा भक्ति रखते हैं, तो बात बात में थोड़ा विनोद में हम कुछ आपको बोल देते हैं। दीपक भाई, आपकी पत्रकारिता को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके पत्रकार धर्म को आप जो प्रामाणिकतापूर्वक निभाते हैं उसके लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमन, धन्यवाद।
स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ आप कर्म ही पूजा मानने वाले लोग हैं और अगाध परिश्रम करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह योग आयुर्वेद और देश की सेवा करते रहें और स्वस्थ इंडिया स्वच्छ इंडिया में जो आपका योगदान है वो और दिनों दिन बढ़ता रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।